हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वीवो Y75 4G वाले वेरिएंट के बारे में। अब यार इसका नाम कंफर्म नहीं है, ये ग्लोबल नेम इसका Y75 4G होने वाला है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान में Y75 4G के नाम से ही आएगा या फिर किसी और नाम से आएगा। होपफुली Y75 के नाम से ही आएगा। सर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले से लेकर। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.44 इंच का एक AMOLED पैनल देखने के लिए मिलता है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलती है, कोई हायर रिफ्रेश रेट नहीं देखने के लिए मिलता, 60 हर्ट्ज का एक नॉर्मल पैनल देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर आपको नॉच डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। और इसकी स्मार्टफोन की खास बात, एज यूजुअल वीवो कैमराज के बेसिस पे ज्यादा जाना जाता है, फ्रंट पे आपको 44 मेगापिक्सल की यार सेल्फी देखने के लिए मिलती है। और यार ये जो सेल्फी है लिटरली बहुत ऑसम होने वाली है। आप लोगों को पता है कि यार वीवो के कैमराज सेल्फीज खास तौर पर लेवल की होती हैं, नाइट मोड, पोर्ट्रेट्स वगैरह सारे के सारे जितने भी वीवो के स्मार्टफोन आए सब में बेहतरीन कैमराज हमें देखने के लिए मिले हैं अब तक। अब वीवो का ऐसा क्लेम करना है कि यार ये एक सुपर नाइट सेल्फी होने वाली है, मतलब इसके जो नाइट रिजल्ट होंगे ना यार वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। और ओवरऑल मैं बात करूँ डिस्प्ले को लेकर ना, डिस्प्ले नो डाउट अच्छा है, लेकिन ये बहुत कॉमन डिस्प्ले है जो कि वीवो अक्सर अपने स्मार्टफोन्स में यूज़ करता आया है। अब बात करते हैं बैक के डिज़ाइन के बारे में। इस स्मार्टफोन की मेन Speciality and one of my favorite design, अगर मैं बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा, आप सबके लिए भी एक मोस्ट यूनिक डिज़ाइन होगा। और वीवो की एक खासियत मुझे अच्छी ये लगती है कि वो डिज़ाइन कॉपी करने से ज़्यादा ज़रूरी समझता है कि अपने इंट्रोड्यूस करे और लेवल के डिज़ाइन इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। यहाँ पर आपको टोटली ग्लास बैक देखने के लिए मिलती है और दो कलर देखने के लिए मिलते हैं, एक ब्लैक कलर है स्मार्टफोन के अंदर और एक जो कलर है यार उसका नाम है डांसिंग वेव। और ये ऐसा फील होता है कि यार ये लाइक पीछे ना आपका कोई फ्लूइड लगाया हुआ है कवर के अंदर, जो है ना इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो ना डिज़ोल्व होता है और जो ना हिलता है बाकायदा, इसका जो अंदर एक तरह से लगता है कि फ्लूइड है जो कि हिल रहा है। और मतलब ये डांसिंग वेव इसी तरह का इन्होंने नाम दिया, तो वेव्स बाकायदा आपको दिखती है अंदर। और ये एक रिएक्टिव जो है ना इसकी बैक है कि अगर आप इसको धूप में लेके जाओगे, बाहर आउटडोर लेके जाओगे तो ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज करेगा और इनडोर आओगे तो ये थोड़ा सा अपना कलर वापसी जो नॉर्मल होता है वैसे ही हो जाएगा, तो थोड़ा सा यूवी है, रिएक्टिव है। बैक पर जो कैमरा मॉड्यूल है वो आपको सेम देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको 50 megapixel का रियर कैमरा देखने के लिए मिलेगा। चिपसेट के बारे में बात करें तो चिपसेट यहाँ पे MediaTek Helio G96 को लगाया जाएगा और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, गेमिंग शेमिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हो। 8GB रैम प्लस 4GB एक्सटर्नल जो आप कहते हो एडिशनल जो वर्चुअल रैम होती है वो प्रोवाइड की जाएगी, तो टोटल 12GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलेगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलेगा, फेस अनलॉक भी आप लोगों को यहाँ पे स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बैटरी है वो भी कंफर्म नहीं है कितने 1000 mAh आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन हाँ फास्ट चार्जिंग कंफर्म्ड है, ऑलमोस्ट 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं मेन इस स्मार्टफोन के प्राइस टैग के हवाले से। देखो प्राइस टैग के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन आपको एस्टिमेटेड प्राइस टैग बता देता हूँ, राउंड ओवर 50,000 rupees आपको देखने के लिए मिलेगा 50 से 55 तक के, क्योंकि 50,000 के अंदर तो ये आ नहीं सके क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन काफी ज्यादा तगड़ी है, तो 50,000 के अंदर अगर तो लॉन्च करना होगा बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव ऐसा हो नहीं सकता ये, क्योंकि यार यहाँ पर टैक्सेस जो आपको पता है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं, डॉलर का रेट देखो कहाँ तक जा रहा है, तो लॉन्च भी इसकी वजह से डिले हो सकती है इसकी, वरना ऐसा था कि 1-2 महीने में पाकिस्तान के मार्केट में डेफिनेटली आ जाता, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए मैं आपको प्राइस के बारे में एक आईडी दे दिया मैंने, लेकिन फिर भी प्राइस और लॉन्च डेट के हवाले से मैं कुछ भी कंफर्मेशन आपको नहीं दे रहा, ये चीज़ें कंफर्म नहीं है। अभी तक के रूमर्स के मुताबिक 1-2 महीने में पाकिस्तान के मार्केट में आ जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि 1-2 महीने में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डॉलर है और टैक्सेस हैं उसकी वजह से बहुत स्मार्टफोन्स ऑलरेडी डिले हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में यही थी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। आई होप कि जो वीडियो है आप लोगों को अच्छी लगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।